अस्सलाम वालेकुम। मंडे यूएई में फर्स्ट वर्किंग डे होता है, दो छुट्टियां होती हैं। एंजॉय करने के बाद मंडे को उतना ही आपको काम करना पड़ता है, और मुझे आइडिया होता है कि मंडे का जो दिन है ना वो बिजी रूटीन गुजरेगी। तो मेरा भी कुछ दिन ऐसे ही आज गुजरा है। पूरे 10 बजे मैं पहुंच गई मेरे मूल मार्बल फैक्ट्री में। यहाँ एक विला ओनर है मैडम, उन्होंने आना था, वो यहाँ से स्टेयर्स का और स्टेप का मार्बल पसंद कर गई थी और मुझे उन्होंने दिखाना था, तो मैं उनका यहाँ वेट करती रही। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 आवर तक आती हूँ, लेकिन हमें कहीं और जाना था, तो मैंने कहा कि मैं देख लेती हूँ, जो आप पसंद कर गई हैं तो आप आके बस उस पर सिग्नेचर कर देना, बाद में हम पेमेंट कर लेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी, मज़ा आया मुझे देख के इनकी कलेक्शन। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ क्योंकि ये ओनर की चॉइस थी। हम जिस शॉप से मार्बल ग्रेनाइट लेते हैं वो और लोकेशन है, अलकुज में है, लेकिन ये मेरे मूल में है। तो इनके पास ढेर सारा मार्बल पड़ा हुआ था, इन जितनी भी इनके पास जो मार्बल था वो ग्रीस का था और स्पेन का मार्बल था। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो वो बड़े खुश हुए और मेरे से बड़ी इन्फॉर्मेशन ली। और ये जो सेल्स मैनेजर था उसको पता था कि वो जो ग्रीन कलर का मार्बल ड्रैगन मार्ट से मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से आता है। तो बस जी वहाँ से हम लोग सीधा आ गए यहाँ तहसील में। यहाँ एक वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी थी, मेरा दिल यही था कि आज ही इसको सबमिट कर दूँ और शाम तक अप्रूवल आ जाए तो मुझे वीज़ा का प्रिंट आउट मिल जाए। तो यहाँ पहुंची हूँ, अर्शी को भी साथ ही रखा है। मैंने कहा पार्किंग नहीं मिलेगी, आप बाहर पार्किंग लगाइएगा तो मैं अंदर अपना जो काम है वो कर आती हूँ। तो शुक्र है यहाँ तो टाइम नहीं लगा, 20 मिनट में मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। तो उसके बाद जी हम दोनों पहुंच गए हैं घर। रात को हमने बनाए थे ये चने चावल भी और कलचोंगे भी बनाई हुई थी, तो रात को फिर ये तो खाए नहीं गए मैंने, तो बल्कि टेस्ट भी नहीं किए थे कि कैसे बने हैं। चोंगे मेरी पसंदीदा हैं, तो अर्शी और मैंने चोंगे खाएं और मीठी और बच्चों ने ये चने खाए, तो ये काफ़ी मज़े के बने थे, ब्लैक चने और उबले हुए चावल। तो मैंने ये खाना खाया, बच्चे हमारे आने से पहले खाना खा चुके थे। तो अर्शी घर पहुंचे हैं तो उनकी कॉल आ गई है साइड पे, तो उन्होंने साथ ही पार्सल बनाया है, खाना तो लेके चले गए। तो बस कारी सर आए, बच्चे फिर वहां पढ़ने लगे, इतने में शाम हो गई है। तो मैंने जो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की थी मैंने कहा दोबारा मैं जाती हूँ तो उसका प्रिंट लेती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गई और मेरा ये काम नहीं हुआ है।